फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली का समाज कल्याण विभाग दिल्ली के बुजुर्गों को 2000 रुपये और 2500 रुपये की मासिक पेंशन देता है, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग एज ग्रुप के बुजुर्गों पर। 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग जो हैं उनको 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है और 70 साल से ऊपर जो हैं उनको 2500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। फ्रेंड्स, आपको यह जानकर काफ़ी सरप्राइज होगा कि पिछले 7-8 सालों से दिल्ली में बुज़ुर्गों की नई पेंशन नहीं बनी है। मतलब कि पिछले 7-8 सालों में जिन बुज़ुर्गों ने 60 साल की उम्र अचीव कर ली है उनको नई पेंशन नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ी मजे की बात, आज से 7-8 साल पहले 4,25,000 बुज़ुर्गों को पेंशन दी जाती थी और पिछले 7-8 साल में यह फिगर हिली तक नहीं है। कहने का मतलब कि 4,25,000 जो बुज़ुर्ग थे इसमें एक बुज़ुर्ग भी नहीं बढ़ा है और ना एक कम हुआ है दिल्ली सरकार के डाटा के अनुसार। भाई, हो भी सकता है कि बुज़ुर्ग की डेथ हो गई हो, लेकिन नहीं, दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड में 4,25,000 बुज़ुर्गों की पेंशन जा रही है और पिछले 7-8 सालों से जा रही है। फ्रेंड्स, पहले यह होता था कि बुज़ुर्गों की पेंशन का फॉर्म जो होता था वह विधायक ऑफिस से भरा जाता था, विधायक के ऑफिस से भरा जाता था और विधायक जो था अपने जानकार जो कार्यकर्ता थे, जो उनके चेले चपाटे थे, उनके जो चमचे थे, उनसे रिलेटेड फॉर्म ही भरता था। वह जिसका लेके आते था फॉर्म कि भाई इनका भर दो, उसका फॉर्म भरता था। खैर, जैसे भी होता था, बुज़ुर्गों की पेंशन तो बनती थी लेकिन पिछले 7-8 सालों से बुज़ुर्गों की पेंशन नहीं बन रही। बेशक विधायक ऑफिस से ही बनती थी लेकिन बनती तो थी, और जैसे जैसे बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ती जाती थी गवर्नमेंट ये कोटा बढ़ाती रहती थी। फ्रेंड्स, ऐसा है कि एक कोटा निश्चित है, मतलब एक निर्धारित कोटा है कि इस कोटे से ज़्यादा, मतलब इतने बुज़ुर्गों से ज़्यादा की पेंशन नहीं बन सकती। तो ये कोटा जब जब बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ती थी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दिया जाता था और ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप 2014 का ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था 1 सितंबर 2014 को, जिसमें कि जो पेंशन की कैपिंग थी, जिसमें जो ओल्ड एज पेंशन की कैपिंग थी उसे बढ़ाया गया था। 40,000 नए बुज़ुर्गों को शामिल करने के लिए इसमें नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि अलग अलग विधानसभा वाइज है। दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए फ्रेंड्स, जिसमें कि नरेला विधानसभा में 1170 लोगों की पेंशन अप्रूव की गई थी, मतलब कि स्लॉट अप्रूव किया गया था कि हाँ भैया, आप नरेला विधानसभा में 1170 लोगों की पेंशन बना सकते हैं, जिसमें कि उस समय एमएलए थे श्री नील दमन खत्री। बुराड़ी में 746, तिमारपुर विधानसभा में 459, आदर्श नगर में 687, आदर्श नगर, उसके बाद बादली में 581, रिठाला में 1181, बवाना में 1081, मुंडका में 827, किराड़ी में 514, सुल्तानपुर माजरा में 787, नांगलोई जाट में 776, मंगोलपुरी में 841। तो ऐसे करते करते टोटल यहाँ पे 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, जैसा कि आपको पता ही है। तो 70 की 70 विधानसभा सीटों में टोटल मिला के 40,000 नई पेंशन को अप्रूव किया गया था। फ्रेंड्स, पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और इन्होंने पिछले 10 सालों से बुज़ुर्गों के बारे में एक भी बात नहीं की, कुछ भी बात नहीं की। ये सिर्फ तीर्थ यात्रा कराते हैं, तीर्थ यात्रा का लॉलीपॉप दे देते हैं कि हाँ भाई, मैं तीर्थ यात्रा करा दी, बनारस घुमा दिया, मदुरई घुमा दिया, यहाँ घुमा दिया, वहाँ घुमा दिया, लेकिन दिल्ली में बुज़ुर्गों की पेंशन के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, कुछ बात नहीं करते। फ्रेंड्स, 2015 में इनकी सरकार आई थी और 1-2 साल ही पेंशन बन पाई थी, मुश्किल से मुश्किल, वो भी विधायकों के थ्रू ही बनती थी। और विधायक क्या करते थे, अपने जानकार लोगों की पेंशन के लिए फॉर्म भरते थे, जो उनके कार्यकर्ता या चेले चपाटे होते थे उनके घर वाले, उनके फादर, उनके मदर की पेंशन के लिए वे लोग फॉर्म भरते थे। खैर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बुज़ुर्गों की पेंशन तो भरती थी। तो जो बुज़ुर्ग, मतलब जिनका नंबर नहीं आ रहा था, जिनकी विधायक साहब से जान पहचान नहीं होती थी, वे लोग भाई परेशान होते थे, उनकी पेंशन का कोई मतलब ही नहीं था, मतलब कोई बनाने के लिए उनका फॉर्म ही नहीं भरा जाता था, उनको टरकाए जा रहे थे विधायक साहब, टरकाए जा रहे थे दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा में, यही हाल होता था। तो भाई क्या हुआ, कुछ नाराज बुज़ुर्ग पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई विधायकों के थ्रू पेंशन नहीं बनेगी, विधायक फॉर्म नहीं भरेगा, ऑनलाइन सिस्टम बनाओ, ये थोड़े कि आपका जिसका मन करेगा उसका बना दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ऑनलाइन सिस्टम बनाओ
और विधायकों के हाथ से पेंशन बनाने की पावर को दिल्ली हाई कोर्ट ने छीन लिया और बोला दिल्ली सरकार को कि भाई ऑनलाइन सिस्टम बनाओ और ऑनलाइन ही बुजुर्गों की पेंशन के लिए अप्लाई करने दो और जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसकी पेंशन पहले बनेगी, यानी कि फीफो बेस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, ई डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे, जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसकी पेंशन सबसे पहले बनेगी। लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कोटा फुल, कोटा फुल है, पेंशन नहीं बनेगी। तो ये एक और बहुत बड़ी मुसीबत हो गई बुजुर्गों के लिए कि भाई पेंशन बनी नहीं रही, कोटा ही फुल दिखा रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में कोटा ही फुल दिखा रहा है, तो ऐसे कैसे बुजुर्गों की पेंशन बनेगी। फ्रेंड्स, दिल्ली भाजपा के विधायकों ने पेंशन के इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में उठाया, लेकिन विधानसभा में उनकी संख्या बल कम होने के कारण उनकी बात को हमेशा अनसुना किया गया। इवन उनको उठाकर तो बाहर फेंकवा दिया जाता था मार्शलों से, हाँ भाई बहुत बोल रहा है, उठाया फेंको इसको। तो कहने का मतलब कि भाजपा के विधायकों ने तो उठाई थी बात, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इनकी बात को नहीं माना। दिल्ली विधानसभा के 2024 के बजट सत्र में दिल्ली के विधायक, एक्स विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी, जो कि आज एमपी हैं दिल्ली में, उन्होंने बुजुर्गों के पेंशन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था दिल्ली विधानसभा में, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया, पेंशन के ऊपर कोई बात नहीं की, गवर्नमेंट ने कोई चर्चा नहीं की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार का ध्यान ओल्ड एज पेंशन की ओर दिलाना चाहता हूं। 2018 से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एज पेंशन बनाने पर रोक लगाई हुई है। दिल्ली के हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ओल्ड एज पेंशन बनाने के लिए आवेदन किया है। दिल्ली की जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, झुग्गी झोपड़ी है, पुनर्वास बस्ती है, गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी है, इसमें बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से, मैं दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, दिल्ली के ऑनरेबल समाज कल्याण मंत्री से मांग करता हूं कि पिछले 7 सालों से जो ओल्ड एज पेंशन नहीं बनाकर दी गई है, प्रत्येक विधानसभा में 7,000 वरिष्ठ नागरिकों को ओल्ड एज पेंशन मंजूर की जाए। केवल ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, बल्कि दिल्ली के सभी विधायकों का यह मुद्दा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बेचारे वरिष्ठ नागरिक, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो चाहे बुजुर्ग पुरुष हो, वो विधायकों के दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं कि आखिर नई ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं बनाई जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से, दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं कि ओल्ड एज पेंशन बनाने का जो काम बंद कर रखा है उसको शुरू करें, और 2018 से लेकर 2024 तक की हर विधानसभा में 7,000 वरिष्ठ नागरिकों को ओल्ड एज पेंशन दी जाए। यही मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से और समाज कल्याण मंत्री से आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई के बाद और उनके रेजिग्नेशन के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया था, 27 सितंबर, 28 सितंबर। भाई 2 दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया तो लगा कि कुछ गवर्नमेंट बड़े बड़े अनाउंसमेंट करेगी, कुछ बड़े काम दिखेंगे, बुजुर्गों की पेंशन के ऊपर बात होगी, महिला सम्मान योजना के ऊपर बात होगी, या फिर कुछ और बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन ये क्या, 2 दिन में दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया विधानसभा सत्र में। क्या किया आपको पता है? यदि आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे सत्र को, सिर्फ 2 काम हुए हैं। बीजेपी को गाली, ठीक है यार नेता है गाली देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो इनको देते हैं वे उनको देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को, जैसे कि दिखाया गया, भगत सिंह जेल से लौट के आए हैं, ठीक है, वो भी बात ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी काम करना चाहिए, ठीक है। विधानसभा के सत्र से मतलब, विधानसभा एक ऐसा स्टेज है जहाँ से लोग देखते हैं, पूरा देश देखता है, ठीक है, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन काम की तो बात कर लो। कोई ऐसे काम की बात नहीं की जो कि जनता के हित में हो, कोई बात नहीं की।
कोई भी नया घोषणा, कोई भी नई घोषणा नहीं की गई, कोई भी पेंशन के बारे में बात नहीं की गई, कुछ भी मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई जो कि जनता के हित में हो। दो दिन का सत्र खराब कर दिया इन लोगों ने। हाँ, लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार की तरफ से बुजुर्गों के पेंशन पर रिप्लाई जरूर आया है, ये बात मानूंगा मैं। अब रिप्लाई क्या है ये अभी हम देखते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली के जो विधायक है विजेंद्र गुप्ता, ये बीजेपी के विधायक है रोहिणी से, इन्होंने विधानसभा के बाहर सीनियर सिटीजन पेंशन के बारे में बात की कि भाई पिछले 7-8 साल से दिल्ली में पेंशन नहीं बन पा रही है, तो उसका क्या जवाब है गवर्नमेंट के पास? विधानसभा में नहीं बोला, विधानसभा के बाहर बोला, सुन लीजिए आप एक बार खुद। हमारा साफ रूप से कहना है कि दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? 2018 के बाद एक भी नई पेंशन किसी बुजुर्ग को नहीं दी जा रही है, नहीं शुरू की जा रही है। तो बुजुर्गों की पेंशन, विधवा बहनों की पेंशन एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं इनको भी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया जा रहा है। हम सरकार को साफ रूप से चेताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में हम सरकार को बख्शने वाले नहीं हैं। फ्रेंड्स, विजेंद्र गुप्ता की इस बात का रिप्लाई दिल्ली सरकार की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला, ये मंगोलपुरी की विधायक भी हैं, तो इन्होंने दिया दिल्ली विधानसभा में, इसका रिप्लाई दिया। आइए सुन लेते हैं कि महोदया ने क्या रिप्लाई दिया। पहले राखी जी बोल रही है, उनका आया है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे ऐसा लगता है, हाँ मैं विषय पर ही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना, विजेंद्र गुप्ता जी ने ठेका ले रखा सरकार को और सदन को गुमराह करने का। सारी की सारी झूठी बातें सदन पर रखते हैं और इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए प्रिविलेज के तहत। पहला विषय, ये जो बात कर रहे हैं 2018 वाली, इसको इन्होंने आधा ही बताया है, जबकि पूरी बात ये है कि 4,90,000 पर केंद्र सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन पर कैपिंग कर रखी है। 4,90,000 से ऊपर दिल्ली सरकार बुजुर्गों की नई पेंशन लगा ही नहीं सकती। ये इतने बुजुर्गों के हितैषी हैं, ये बुजुर्गों के बारे में इतना सोच रहे हैं। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना चलाई थी उसको बंद करा। फ्रेंड्स, आपने राखी बिरला का रिप्लाई सुना, इन्होंने बताया है कि 4,90,000 की पेंशन पे कैपिंग है। कैपिंग है मैं मानता हूं, लेकिन 4,90,000 पे है ये मैं नहीं मानता। फ्रेंड्स, यदि 4,90,000 पे कैपिंग है तो सिर्फ 4,25,000 बुजुर्गों को ही क्यों पेंशन दी जा रही है? अभी और गुंजाइश है ना देने की, अभी और 65,000 बुजुर्गों की पेंशन बन सकती है ना एज पर राखी बिरला। राखी बिरला ने जो बयान दिया है 4,90,000 की कैपिंग है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैपिंग कितनी है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा। ये लोग कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं, इनका मन नहीं है दिल्ली में पेंशन बनाने का बुजुर्गों की। जैसा कि राखी बिरला ने बताया कि कैपिंग 4,90,000 की है, तो फ्रेंड्स 4,90,000 की कैपिंग नहीं है, कैपिंग है 5,30,000 की। 5,30,000 का मतलब है कि अभी 1,05,000 बुजुर्गों का पेंशन और बन सकती है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली में 4,25,000 बुजुर्ग ही पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसे में अभी गुंजाइश है कि 1,05,000 बुजुर्गों की पेंशन और बन जाए। और दिल्ली में पिछले 7-8 सालों से 2,00,000 बुजुर्ग ऐसे हो गए हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, एंड दे आर एप्लीकेबल फॉर दिल्ली गवर्नमेंट पेंशन, वे एप्लीकेबल हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं, तो उनको पेंशन मिलनी चाहिए। 1,05,000 स्लॉट्स अभी खाली हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इस पे बात नहीं कर रही, ये बात कर रही है कि स्लॉट क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो यहाँ पे राखी बिरला की यह बात भी सही है कि स्लॉट क्यों नहीं बढ़ा रहे, स्लॉट बढ़ने चाहिए, लेकिन स्लॉट बढ़ाने के लिए आपने कितनी बार प्रपोजल तैयार किया है, कितनी बार फाइल तैयार करके एलजी के पास भेजी है साइन करने के लिए? एक बार भी नहीं भेजी 7-8 सालों में। आप बोलते हो कि ये एलजी बढ़ाता ही नहीं है स्लॉट, आप लोगों ने एक बार भी भेजी है फाइल? आप लोगों ने अभी दिल्ली में मिनिमम वेजेस बढ़ाई है, दिल्ली में न्यूनतम वेतन बढ़ाया है, बढ़ाया ना आपने, उसकी फाइल पे एलजी ने साइन कर दिए ना। वैसे तो एलजी के साइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सचिव स्तर पे ये हो जाता है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेके आ रहे हैं इतने जोर शोर से आप कर रहे हैं, उस पर एलजी साइन कर देगा, लेकिन जो आप बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के लिए यदि आप फाइल तैयार करते हैं, प्रपोजल तैयार करते हैं, उससे रिलेटेड कैबिनेट में उसको पास करते हैं, तो उसको एलजी साइन नहीं करेगा। आपने कैपिंग बढ़ाने का प्रयास किया नहीं किया ना एक बार भी प्रयास, आप प्रयास तो करते,
आप सिर्फ बात इधर से उधर घुमा दे रहे हैं। आप दिल्ली में 80-90 लाख महिलाओं को पेंशन दे सकते हैं, लेकिन 1-2 लाख बुजुर्गों को आप पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, जो कि पिछले 7-8 सालों से इंतजार कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग तो बेचारे मर भी गए होंगे इसी इंतजार में कि पेंशन आएगी पेंशन आएगी। विधायकों के चक्कर लगा रहे हैं, निगम पार्षद के चक्कर लगा रहे हैं, है? इनकी नज़र में बुजुर्ग जो है, इनका हमारे दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है, वह किसी काम के नहीं है इनकी नज़र में। क्योंकि यदि जैसे कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं, तो भाई बेटा हो तो 2500 रुपये की या 2000 रुपये की जो पेंशन है वो तो लगवाओ, और चलो जब पेंशन लगेगी लगेगी, लेकिन जो पेंशन चली आ रही है पिछले एक दशक से, उसको बढ़ाने का भी तो आपने प्रयास नहीं किया। आज हरियाणा में 2500 रुपये की पेंशन मिल रही है। हरियाणा में क्या है, यदि आपकी उम्र आधार कार्ड में 60 प्लस जैसे ही होती है, आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली से लोगों को सीखना चाहिए, यहाँ पर हरियाणा से सीखने की नौबत आ रही है। फ्रेंड्स, 2022 में दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस डाला गया। मैंने आपको इनिशियल में बताया भी था, लेकिन फर्दर इसके बारे में कोई डिस्कशन हो नहीं पाया। 21 सितंबर 2023 को इस केस का मतलब निर्णय आया, इसको डिस्पोज ऑफ किया गया। आइए एक नज़र दिल्ली हाईकोर्ट के इस केस पर डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 21 सितंबर 2023 दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन है। फ्रेंड्स, इसमें केस किया गया था दिल्ली सरकार के अगेंस्ट में, और पेटिशनर का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने केस किया था, और केस किसके खिलाफ किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि रिस्पोंडेंट है। तो फ्रेंड्स, ये 12 पेज का जो ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसको एक एक मतलब लाइन तो समझाना मुश्किल है। नटशेल में बात यह है कि आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि ओल्ड एज पेंशन देना ना देना स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टेट अपनी इनकम सोर्स देखकर ही पेंशन पे विचार करता है कि पेंशन कब बनानी है, कब नहीं बनानी है, कब बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, कब नहीं बढ़ानी, ये सारी चीज़ें स्टेट पे डिपेंड करती है। तो इस ऑर्डर का मतलब नटशेल में यही है, बाकी पूरी डिटेल तो इस ऑर्डर में लिखी हुई है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऑर्डर में लिखा क्या है, जो चीज आपको दिखाना चाहता हूं, मेन चीज यहां पे। सितंबर 2016 में ये कैपिंग बढ़ाई गई थी 4,30,000 से 5,30,000 की गई थी, 1,00,000 नई पेंशन को इसमें शामिल करने के लिए बोला गया था 2016 सितंबर में, 5,30,000। लेकिन जैसा कि दिल्ली विधानसभा में राखी बिरला ने बोला कि 4,95,000 पेंशन है सिर्फ, तो यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर में तो गलत नहीं हो सकता ना, इंसान तो झूठ बोल देगा, विधायक तो वैसे भी झूठे होते हैं, या कोई भी हो, बीजेपी का हो या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का, झूठे तो लोग होते ही हैं। देखिए एक चीज़ और देखिए आप फ्रेंड्स, ये पेंशन 2000 और 2001 में 1,00,000 पेंशन बनती थी, मतलब कि कैपिंग 1,00,000 की थी। 2004 में कैपिंग बढ़ा के 1,50,000 कर दी गई, 2006 में बढ़ा के 1,75,000 कर दी गई, 2008 में बढ़ा के 2,00,000 कर दी गई, फिर मई 2008 में दोबारा बढ़ा दी गई, 2,15,000 कर दी गई, दिसंबर 2008 में फिर बढ़ा दी गई, 2,50,000 कर दी गई, मार्च 2010 में बढ़ाई गई, 3,50,000 कर दी गई, मई 2013 में फिर से बढ़ाई गई, 3,90,000 कर दी गई, जुलाई 2014 में बढ़ाई गई, 4,30,000 कर दी गई, फिर सितंबर 2016 में बढ़ा दी गई और 5,30,000 कर दी गई। लेकिन सितंबर 2016 के बाद ये बढ़ी ही नहीं। 2016 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल हो गए कैपिंग नहीं बढ़ी। क्या 8 साल में दिल्ली में बुजुर्ग नहीं बढ़े? क्या ऐसे लोग नहीं बढ़े जिनकी उम्र 60 क्रॉस की होगी? निश्चित तौर पे बढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे इस कैपिंग को बढ़ाया नहीं गया है। दिल्ली सरकार ने एक बार भी प्रपोजल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं भेजा। पहली बात तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है। सरकार का मतलब है एलजी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था, भाई तो आप फाइल बना के भेजोगे, प्रपोजल बना के भेजोगे, आप अपने कैबिनेट में अपने मंत्रिमंडल में पास करके भेजोगे, तब ना वो साइन करेंगे। आप भेजोगे नहीं और बोल दोगे कि एलजी ने बढ़ाई ही नहीं, तो फिर तो हो ही नहीं सकता ना, फिर तो कोई बात
नहीं बढ़ाना मत बढ़ाइए, कैपिंग आप लोग नहीं बढ़ाते और अननेसेसरी का आप लोग ब्लेम किसी और पे करते हैं। आप यदि प्रपोजल बना के भेजें और यदि एलजी नहीं बढ़ाते तब आप इनका जो चेहरा है जनता के सामने लाइए कि भाई ये हमने प्रपोजल बना के भेजा था, उसको आप ट्वीट पे डालिए, उसको आप सोशल मीडिया पे डालिए कि देखिए हमने प्रपोजल बना के भेजा था दिल्ली सरकार ने, लेकिन एलजी ने पेंशन की कैपिंग को नहीं बढ़ाया, रोक दिया फाइल को। जो भी है आप इनका चेहरा सामने लाइए तो सही, लेकिन जब आपने प्रपोजल ही नहीं भेजा, आपने कैबिनेट में इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं की, अपने कैबिनेट मीटिंग में पेंशन बढ़ाने के लेके कोई बात नहीं हुई, कोई इससे रिलेटेड कोई MOM नहीं बना, कैपिंग कैसे बढ़ेगी? तो ये कोर्ट के ऑर्डर में तो ये झूठ हो नहीं सकता ना कि 5,30,000 की कैपिंग है और दिल्ली में इस समय 4,25,000 बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, तो इस तरह से 1,05,000 लोगों की पेंशन और बन सकती है। अरे चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, 4,95,000 लोगों की बन रही है, मतलब बनी हुई है, एक बार मान के देखते हैं, ठीक है, तब भी 35,000 लोगों की तो बन सकती है ना, 35,000 बुजुर्गों की तो बन सकती है ना, 70 विधानसभा है, 70 विधानसभा में यदि 35,000 बुजुर्गों की बनती है तो एक विधानसभा में कितनी हुई, 500 बुजुर्ग पर विधानसभा में बने है? इतना तो कम से कम कर सकते हैं ना। फ्रेंड्स, जिन लोगों को अभी भी डाउट है वे RTI लगा के पूछ सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट के पास RTI लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि करंट में कितने बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। इस समय 4,25,000 बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है जो कि दिल्ली सरकार देती है, और उसमें से भी जो 1,00,000 बुजुर्ग हैं, 1,00,000 बुजुर्गों में जो पेंशन दी जाती है, 1,00,000 बुजुर्ग कौन से, जो 70 साल से अधिक हैं, तो उनको जो पेंशन दी जाती है उसमें 2,200 रुपये दिल्ली सरकार देती है और 300 रुपये केंद्र सरकार देती है। चलो 70 साल से ऊपर वालों में तो केंद्र सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, लेकिन जो 60 साल से ऊपर है उनमें कौन सा केंद्र सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है जिसके कारण से आपने उनकी पेंशन को बनाने से रोका हुआ है। वैसे तो दिल्ली सरकार इतनी सारी फ्री की स्कीम्स चला रही है, लेकिन सीनियर सिटीजन पेंशन जिस पे उनका हक है वह उनको नहीं मिल रही है, दिल्ली सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाई कोर्ट भी क्या करता, क्योंकि पेंशन का मुद्दा जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, हमारे मौलिक अधिकार में नहीं आता है, उसलिए दिल्ली हाई कोर्ट इस पे अपना कोई डिसीजन नहीं दे सकता है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, DPSP में आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट सिर्फ जो गवर्नमेंट को सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, ना कि ऑर्डर दे सकता है, और गवर्नमेंट डायरेक्शन को मानने से रही। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट को लगता है कि सीनियर सिटीजन को पेंशन देंगे तो एक आर्थिक भार गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, एक परमानेंट आर्थिक भार, और जो कि लगातार चलता रहेगा। यदि आप महिला सम्मान योजना लाते हैं तो कल को BJP आएगी तो बंद कर देगी, लेकिन पेंशन बंद नहीं कर पाएगी, और गवर्नमेंट अननेसेसरी का आर्थिक भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, इसलिए सीनियर सिटीजन की पेंशन के ऊपर किसी भी तरह की ना कोई बात की जाती है ना ही कोई कार्यवाही की जाती है। फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो से यही पता चलता है कि आज भी 1,05,000 बुजुर्गों की पेंशन इमीडिएट बनाई जा सकती है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की अनिच्छा के कारण यह पेंशन नहीं बन पा रही है और ना ही बनेगी, ये बनाएंगे भी नहीं चुनाव तक, देख लेना चुनाव तक क्या, चुनाव के बाद भी बना देते बहुत बड़ी बात है, ये बनाने के मूड में नहीं है, ये नहीं बनाएंगे पेंशन। जब ये 1,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देके 80,00,000 की आबादी को साध सकते हैं तो अननेसेसरी के 2,00,000 बुजुर्गों के लिए क्यों बनाएंगे? 4,500,000 बुजुर्गों को तो पेंशन दे ही रहे ना, 4,25,000 को, 2,00,000 को छोड़ो। तो दिल्ली गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि बुजुर्गों की पेंशन दी जाए, वह सिर्फ बातों को टाल रही है, कभी BJP पे कभी LG पे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आपके घर आपका विधायक वोट मांगने आए तो ज़रूर पेंशन के लिए बात करना, ठीक है। यदि वो बोलता है कि ऑफिस में आकर फॉर्म भर लेना, समझ लेना बेवकूफ़ बना रहा है, वो झूठ मूठ का फॉर्म भरवाएगा, क्योंकि ऑफलाइन है ही नहीं पेंशन का कोई तरीका, ऑफलाइन नहीं है, जो भी होगा ऑनलाइन होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि 2020 के भी विधानसभा चुनाव में विधायकों ने ऐसे बेवकूफ़ बनाया, हाँ हाँ विधायक ऑफिस में आके फॉर्म भर लीजिए आपका पेंशन बन जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ था, ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।